Hello students, welcome to the current affair root class. This is root series on current affairs. Now in today's class we will be dealing with कि अभी जो माहौल बना हुआ है यूएसए और ईरान के बीच में लगभग जंग का माहौल बन चुका है. ये जंग का माहौल क्यों बना है तो इसको समझने के लिए रिसेंटली अभी क्या हुआ है, करंटली क्या हुआ है, ये है कासिम सुलेमानी. नो कासिम सुलेमानी कौन है? कासिम सुलेमानी बहुत इम्पॉर्टेंट लीडर है, लीडर थे ईरान के. कासिम सुलेमानी ये ईरान की सारी डिप्लोमेसी को देख रहे थे. ये नंबर टू थे उनके देश में. जैसे आज की डेट में हमारे देश में नंबर टू कौन है? लाइक अमित शाह है. अमित शाह की तरह आप इनको कंपैरिजन कर सकते हैं. इतने ज़्यादा पावरफुल लीडर थे ये वहाँ के ईरान के. ये इराक में गए हुए थे, 62 साल के थे ये. इराक में ये विजिट करने गए हुए थे एंड जब ये इराक में विजिट करने गए वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचे तो इनके ऊपर मिसाइल्स दाग दी गई और इनकी मौत हो गई. अभी कासिम सुलेमानी की मौत से यूएसए के बीच में और ईरान के बीच में जो संबंध हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं. अब इन संबंधों को किस तरह से ठीक किया जाएगा और इसकी आगे रेपरकशंस क्या हो सकती हैं वो देखेंगे. इनको इमीडिएटली मारने के बाद ट्रंप ने एक ट्वीट किया और एक इंटरव्यू में भी ये कहा उन्होंने कि ये यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री ने एक बहुत फ्लॉलेस और प्रिसीजन स्ट्राइक किया है. नंबर वन टेररिस्ट इन द वर्ल्ड वो इनको मानते हैं, कासिम सुलेमानी को. अभी उन्होंने इनको टेररिस्ट क्यों कहा? देखिए, जो ईरान है वो एक शिया देश है. शिया देश अपनी आइडियोलॉजी को आगे प्रमोट करने के लिए ईरान ने बहुत सारे आतंकवादी ग्रुप्स को पैदा किया हुआ है अलग अलग देशों में. तो वो जो आतंकवादी ग्रुप हैं जो अलग अलग देशों में ऑपरेट कर रहे थे, जो ईरान के राइट्स को प्रोटेक्ट करा रहे थे दूसरे देशों में, सुन्नी आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ रहे थे, यूएसए की आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ रहे थे, उन सबको कोऑर्डिनेट, उन सबका कंट्रोल, उनकी गतिविधियां, उनके डिसीजंस सारे कासिम सुलेमानी कर रहा था. तो कासिम सुलेमानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था ईरान की डिप्लोमेसी में. अभी इसको समझने के लिए ये क्या हो रहा है, इसके नेक्स्ट रेपरकशंस क्या होंगे, यूएसए के और ईरान के संबंध इतने ज़्यादा ख़राब क्यों हो गए हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ईरानियन रेवोल्यूशन. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन है मॉडर्न हिस्ट्री का, मॉडर्न डे कंटेक्स्ट का, मॉडर्न वर्ल्ड का. 1979 में ये रेवोल्यूशन हुआ. इस रेवोल्यूशन से पहले बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये वाली 1979. ये बहुत इंपॉर्टेंट साल है. इस साल ने यूएसए और ईरान के संबंधों को कंप्लीटली ऑल्टर करके रख दिया, कंप्लीटली मॉडिफाई करके रख दिया. कैसे किया? देखिए, 1979 से पहले ईरान में एक मोनार्क थे, मोहम्मद रजा पहलवी. जो मोहम्मद रजा पहलवी थे इनके संबंध बहुत ही ज्यादा अच्छे थे यूएसए के साथ. तो ईरान की जो सोसाइटी है वो बड़ी लिबरल सोसाइटी थी 1979 से पहले, क्योंकि इस्लाम को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता था. शिया धर्म के स्टैंडर्ड्स को, शिया धर्म के क्रेडेंशियल्स को बहुत फॉलो नहीं किया जाता था. एक लिबरल डेमोक्रेसी काइंड, डेमोक्रेसी तो नहीं थी, मोनार्क था, बट लिबरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे. ये चीज़ गवारा नहीं थी वहाँ के फंडामेंटलिस्ट लीडर्स को, फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स को. उनको लगता था कहीं ना कहीं जो भी कुछ ईरान में हो रहा है वो गलत हो रहा है एंड सोसाइटी सही ढंग से नहीं चल रही है. सोसाइटी को सही ढंग से चलाने के लिए इस्लाम की जड़ें मजबूत करना ज़रूरी है, देश को इस्लाम की राह पे लेके जाना बहुत ज़रूरी है, देश को इस्लामिक रिपब्लिक बनाना बहुत ज़रूरी है. तो आयतुल्लाह खमेनी, ये KHO है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं आपको स्पेलिंग्स बता रहा हूँ, KHOMEINI. तो रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ? पहलवी को हरा दिया गया. पहलवी को हराने के बाद नया एस्टेब्लिशमेंट आ गया ईरान में. ये जो नया एस्टेब्लिशमेंट आया ईरान में, इसने इस्लामिक रिपब्लिक वहाँ पे क्रिएट कर दिया. जो लिबरल वैल्यूज थी यूएसए में वो सारी लिबरल वैल्यूज वहाँ पे ख़त्म कर दी. ये देखिए एक बहुत पुरानी तस्वीर है मोहम्मद रजा पहलवी की और जिमी कार्टर की. जिमी कार्टर प्रेसिडेंट थे. देखिए, यूएसए के और ईरान के संबंध हमेशा ख़राब नहीं थे. संबंधों को ख़राब करने के पीछे रेवोल्यूशन है 1979 का.
ये अच्छे दिनों की तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको देख लीजिए। 1979 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट, उसके बाद में ये लीडर आ गए आयतुल्लाह खोमेनी, इनकी भी डेथ हो गई 10 साल के बाद, 1989 के बाद इनकी डेथ हो गई और इनकी जगह ले ली एक और लीडर ने जो रिलीजियस लीडर माना जाता है खोमेनी। द स्पेलिंग हेयर इज ए है, पहले ओ था, आयतुल्लाह खोमेनी थे आज की डेट में जो ईरान को लीड कर रहा है, लीडर रिलीजियस लीडर जो इस्लामिक पॉलिसीज को आगे बढ़ा रहा है वो है आयतुल्लाह खोमेनी। नाउ ये सब कुछ करने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा संबंध खराब हो गए यूएसए के और ईरान के बीच में, संबंध खराब हो गए, ईरान को अपने आप को स्ट्रांग करना था। ईरान ने अपने आप को स्ट्रांग कैसे किया? ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाना शुरू कर दिया, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को डेवलप करना शुरू कर दिया। ये देखिए, ये सारे शहर हैं जहाँ जहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ईरान ने डेवलप की हुई हैं, ये सारे ईरान के शहर हैं, लाइक करज है, लक्षराबाद है, तेहरान है, नंताज है, अरक है, बुशेर है, अमारक है, ये सारे शहरों के नाम आपको रट लेने चाहिए, कहीं ना कहीं मेंस में ज़रूर काम आएंगे, प्रीलिम्स में भी काम आ सकते हैं। तो ईरान ने क्या किया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को जब इन्होंने डेवलप किया, यूएसए और ईरान के बीच में संबंध और भी ज़्यादा ख़राब हो गए, क्योंकि यूएसए नहीं बर्दाश्त करता कि किसी भी देश के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर बम हो। उसके बाद में ईरान के हालात बहुत ख़राब कर दिए, हालात पहले ही ख़राब थे, वहाँ की इकोनॉमिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी ईरान की, एंड इकोनॉमिक स्थिति को बद से बदतर बना दिया यूएसए ने, इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया, इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया, बहुत सारी सैंक्शंस लगा दी। सैंक्शंस का क्या मतलब है, उनके ऊपर रोक लगा दी, ईरान के अंदर कोई भी चीज़ इम्पोर्ट नहीं हो सकती, जो भी अमेरिकन चीज़ है जैसे एप्पल के लैपटॉप्स हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, बहुत सारे यूएस के प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाते। ईरान जितने देशों को ईरान तेल बेचता था वो सारी पेमेंट्स को रोक दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, टोटल बैन कर दिया, कोई भी हवाई जहाज ना खरीद पाए, कोई भी रिपेयर पार्ट्स ना खरीद पाए। तो ईरान की एयर फोर्स को भी बहुत बड़ा धक्का लगा, ईरान के एयर ट्रांसपोर्टेशन को बहुत बड़ा धक्का लगा। ये सब कुछ बहुत सालों तक चलता रहा, 1979 से लेके ये सारा कुछ होता रहा लगभग 2010 तक। उसके बाद में बैरक ओबामा आए, बैरक ओबामा ने संबंध ठीक करने की कोशिश की। बैरक ओबामा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, बैरक ओबामा ने क्या किया, उन्होंने काफ़ी लोगों को इन्वॉल्व करके, लाइक फ्रांस को इन्वॉल्व करके, चाइना को इन्वॉल्व करके, रशिया को इन्वॉल्व करके, उन्होंने नेगोशिएशन करना शुरू किया। नेगोशिएशन फाइनल हुआ 2015 में। तो बैरक ओबामा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ईरान के साथ संबंध सही करने में। पहले मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी जिमी कार्टर की और पहलवी की, मोहम्मद रजा पहलवी की, उसी तरह के संबंध वो चाहते थे, मतलब कि बदल जाएं एंड एक अच्छा सिस्टम वर्ल्ड ओवर में बनाया जाए जहां पे यूएसए एंड ईरान आपस में ना लड़े, क्योंकि यूएसए का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है और नॉर्थ कोरिया है। नाउ उसके बाद में क्या हुआ कि 2015 में डील साइन हुई, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जेसीपीओए इसको बोलते हैं, ईरान की न्यूक्लियर डील। देखो ईरान ने न्यूक्लियर डील क्यों साइन किया, क्योंकि मैंने आपको बताया एक ईरान के ऊपर इकोनॉमिक ब्लॉकेड लग गया था, ईरान की इकोनॉमी बिल्कुल बद से बदतर हो गई थी, बहुत कमज़ोर हो गई थी, ईरान में लोग रिवोल्ट करना शुरू कर गए थे कि उनकी तरक्की नहीं हो रही है, दुनिया के बाकी देश तरक्की की राह पर चल पड़े हैं और ईरान को भी तरक्की और डेवलपमेंट करनी है, एंड वो डेवलपमेंट तभी पॉसिबल हो पाता अगर ईरान के ऊपर इकोनॉमिक एम्ब्रोगलियो जो लगे हुए थे, एम्बार्गोज जो लगे हुए थे वो सारे हट जाते। चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स प्लस जर्मनी को मिलके, ये ठीक है, यूरोपियन यूनियन को मिलके ये डील फाइनल हुई ईरान के साथ कि आप अपने न्यूक्लियर सेंट्री फ्यूजेस का एनरिचमेंट नहीं करोगे, क्योंकि अगर सेंट्री फ्यूजेस का एनरिचमेंट एक लेवल से ऊपर हो जाता है तो उसको हथियार के लिए यूज़ किया जाता है। तो यूएसए ये मान गया कि आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लीजिए, बट सिर्फ बिजली बनाने के लिए, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, आप उससे हथियार मत बनाइए, आप उससे बॉम्ब मत बनाइए। इस बात को ईरान मान गया,
बट 2015 के बाद बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई वर्ल्ड लेवल पे, डोनाल्ड ट्रंप बन गए प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर बने, मतलब एक ऐसे प्रेसिडेंट बने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, जो पहले कभी भी किसी भी पोस्ट के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहे थे। तो जब वो डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने अपनी मन की मर्जियां की बहुत ज़्यादा, उन्होंने आते ही बहुत बड़ी चेंज कर दी। सबसे पहली उन्होंने बड़ी चेंज क्या की, आते ही उन्होंने ये जो डील साइन हुई थी बराक ओबामा के टाइम पे, वो डील को सबसे पहले तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। सो दिस वॉज अ वेरी वेरी बिग थिंग, दिस वॉज अ वेरी बिग चेंज ब्रॉट बाय डोनाल्ड ट्रंप। तो जब ये मतलब ये डील कैंसिल हो गई, ईरान और यूएसए के बीच में जो संबंध थे दोबारा से फिर खराब होना शुरू हो गए। देखिए प्रॉब्लम क्या है यूएसए और ईरान की, बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, यूएसए एक लिबरल डेमोक्रेसी है, ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, एंड पहले उनको पेट्रोल जो था, पूरा ऑयल था, वो इजिली मिल रहा था। जब तक मोहम्मद रजा पहलवी थे, जब आयतुल्लाह खुमैनी आ गए तो पेट्रोल लेना मुश्किल हो गया, नेगोशिएशंस मुश्किल हो जाती, इसी डर से संबंध खराब हो गए बेसिकली। नाउ उसके बाद में जब डोनाल्ड ट्रंप आए, ठीक है ना, पहले तो ये था कि एकदम से नहीं खराब होगी ये वाला, ठीक है, उन्होंने बोला था, यूएस के इंटेलिजेंस डायरेक्टर ने ये बात बोली थी कि ये न्यूक्लियर डील इज वर्किंग, कि न्यूक्लियर डील चल रही है चाहे ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया है, बट ऐसी कोई बात नहीं है, डील बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ट्रंप विड्रॉ कर गए हैं डील से, 2016 में ही कर गए थे। 2016 के बाद में संबंध बहुत ख़राब हो गए ईरान के और यूएसए के बीच में, और ईरान के और सऊदी अरेबिया के बीच में। अभी सऊदी अरेबिया के साथ संबंध क्यों खराब हो गए, देखिए जो सऊदी अरेबिया देश है वो एक सुन्नी देश है, वो सुन्नी देशों को रिप्रेजेंट कराता है, करता है, जो शिया और सुन्नी के आपस में संबंध बहुत ज़्यादा खराब है, एंड सऊदी अरेबिया और यूएसए के आपस में संबंध जो हैं वो अच्छे संबंध है। एक सुन्नी कंट्री के और यूएसए के संबंध बहुत अच्छे हैं मिडल ईस्ट कंट्रीज में, और सऊदी अरेबिया और ईरान के संबंध बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। तो इस चीज़ को मतलब कि परेशान हो गया ईरान, कि अभी अभी तो इकोनॉमिक एम्बार्गो हटने वाला था, बट उसको लगा कहीं ना कहीं इसमें रोल सऊदी अरेबिया का है। तो सऊदी अरेबिया का ज़्यादातर पैसा कहाँ से आता है, वो ऑयल से आता है, ऑयल की रिफाइनिंग से आता है। तो जितने भी जहाज़, ठीक है ना, पानी के रास्ते ईरान के आसपास से गुजरते हैं, ईरान ट्राई करता रहता है कि उनके ऊपर वो अटैक कर दे। एंड सितंबर 2019 में, आज से 4 महीने पहले, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुई, ड्रोन्स दाग दिए गए, कहाँ पे, सऊदी अरेमको ऑयल के ऊपर, ये उनकी प्रोसेसिंग फैसिलिटी थी सऊदी अरेबिया की, वहाँ पे दाग दिए गए। एंड इसकी जिम्मेवारी किसने ली, हाउदी मूवमेंट ने ली, जो कि यमन से ऑपरेट कर रही है। एंड बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सऊदी अरेबिया ने इल्ज़ाम किसके ऊपर लगाया, ईरान के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि ईरान ये सब कुछ कर रहा है। दिसंबर में और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुई, किरकुक दैट इज इन इराक, इस लोकेशन के ऊपर ईरान ने अटैक किया था, ईरान ने यूएस के कुछ सोल्जर्स को मार दिया था दिसंबर में, दिसंबर 27 के आसपास। अभी ये एक बहुत बड़ी वजह बनी कि दोनों के बीच में जो संबंध थे बहुत ज़्यादा खराब हो गए, बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट हो गए, एंड दिस बिकेम द रीज़न। ये मतलब इवेंट है, आप मान के चलिए सितंबर 2019 का, जो इमीनेंट कारण बना अभी के झगड़े का कारण ये है, बट झगड़े के पीछे बहुत बड़ी रूट है, बहुत बड़ी जड़ है, बैकग्राउंड है, वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अभी ये क्या कहते हैं, कासिम सुलेमानी को इसलिए मारा गया, ट्रंप ये कहते हैं कि ये चाहते थे कि जो वॉर है वो स्टॉप हो जाए, तो द स्ट्राइक वॉज टू स्टॉप द वॉर, ये ट्रंप ने कहा है, ट्रंप, क्योंकि ट्रंप को लगता था कि सुलेमानी जो इतने बड़े वहाँ के लीडर हैं, मिलिटरी लीडर हैं, जिनको ये टेररिस्ट बोलते थे, कि वो वॉर करेंगे यूएस के खिलाफ। तो सुलेमानी का मारा कहाँ पे गया, सुलेमानी को बेसिकली मारा गया इराक में, बट इराक यहाँ पे कहाँ पे आता है, ठीक है ना, अभी इराक का बहुत सारा नाम आ रहा है करंट अफेयर में कि इराक में इनको मार दिया गया, और इराकी पार्लियामेंट ने ये भी रेजोल्यूशन पास कर दिया है
कि जितनी भी यूएस की फोर्सेस वहां पे हैं वो सारी इराकी धरती से चली जाएं, इराकी सॉइल से चली जाएं और वापस यूएस चली जाएं। तो अभी ये कहां पे है? इराक। ये इराक विजिट करने गए हुए थे सोलेमनी। इराक में ये शिया मिलिटेंट ग्रुप्स को एक्टिवेट करने गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये मिलिटेंट ग्रुप्स को एक्टिवेट कर रहे थे क्योंकि ये अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कराना चाहते थे। और इसमें एक और लीडर मारा गया है इसी स्ट्राइक में जहां पे सोलेमनी की डेथ हो गई है मिसाइल लगने से। खातिब हिजबुल्ला ग्रुप के जो लीडर थे उनका नाम था अबू महादी अल मुहंदस, इनकी भी मौत हो गई है। हिजबुल्ला ग्रुप, बेसिकली हिजबुल्ला ग्रुप किसने बनाया था? लेबनान में ऑपरेट करता है शिया मिलिटेंट ग्रुप है ये वाला हिजबुल्ला। इसको बनाने के पीछे, इसको स्ट्रांग करने के पीछे किसका हाथ है? सोलेमनी का हाथ है। तो अब उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो अभी हुई है, दैट इज द रेजिंग ऑफ द रेड फ्लैग। ईरान ने अपनी मस्जिद के ऊपर जो लाल रंग का फ्लैग है उसको लहरा दिया है। लाल रंग का फ्लैग का बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंसी है शिया धर्म में। जब भी लाल रंग का फ्लैग लहराया जाता है उसका मतलब ये होता है कि अभी लड़ाई करने के लिए देश तैयार है और देश रिवेंज लेगा जो उसके साथ गलत किया यूएसए ने सोलेमनी की मौत करके। बट क्या ये सब इतना आसान होगा? कारण इसका ये है कि इतना आसान नहीं होने वाला क्योंकि ईरान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। बट दूसरी बात ये भी है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है बॉम्ब। यूएसए का क्या रिस्पॉन्स रहा जब ये लाल रंग का उन्होंने झंडा लहरा दिया मॉस्क के ऊपर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 3,000 ट्रूप भेज दिए डोनाल्ड ट्रंप ने मिडल ईस्ट में। उनको डर है कि सऊदी अरेबिया के ऊपर भी अटैक हो सकता है जिस तरह का अटैक सितंबर में हुआ था। अगर इस तरह का अटैक होता है हिंदुस्तान जैसे देशों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि हम अपना सारा तेल मिडल ईस्टर्न कंट्री से लेते हैं। अगर ये लड़ाई हो गई तो उनका कॉन्फ्लिक्ट आपस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल के ऊपर। चैनल का नाम है ब्रेनी IAS। ये हमारा नया लोगो है ब्रेनी IAS का। मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है GRajput। एक और आईडी है हमारी इंस्टाग्राम पे IAS_tips, IAS IPS और बीच में ये T आ गया है। चलिए, दिस वॉज ऑल फॉर द क्लास। इसका कंटेंट पढ़ने के लिए ब्रेनी IAS वेबसाइट को विजिट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है और हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं तो प्लीज़ मेरे से कम्युनिकेट कर लीजिए। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 84594 Penta 0 5 बार 0 है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।